नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। हम जानेंगे इसके होने का कारण क्या है, ये कौन से रीजन में होता है, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, साथ ही हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योक्लिक पर। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके होने का कारण क्या है और इसमें हमें ये कौन से रीजन में देखने को मिलती है। दोस्तों ये हमारे साइटिका नर्व में होता है, यानी एक नर्व पेन होता है, जो कि साइटिका नर्व हमारे पैर की नर्व है। ये हमारे लोअर बैक से, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के लोअर रीजन में L4, L5 और S1, S2, S3 इन पांच वर्टिब्रास से निकलती है ये नर्व, और हमारे बैक से होते हुए पैर में जाती है, और थाई से होते हुए ये आपके काफ मसल से होते हुए आपके ये थम तक जाती है। दोस्तों अगर इस नर्व में कोई भी डैमेज होता है या किसी भी तरह से ये दबती है, तो इस वजह से हमें साइटिका पेन देखने को मिलता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ ही एक पीरियोडिक पेन होता है, यानी कि ये कुछ समय के लिए रहेगा, फिर ये गायब हो जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम ये हमें फिर से दिखाई पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपके नर्व में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, ऐसा लगेगा जैसे करंट दौड़ रहा है, या पेल्पेशन टपकन जैसा दर्द होगा। इसके अलावा इसमें आपको सुई चुभने जैसा दर्द भी हो सकता है, या ऐसा लगेगा कोई चाकू मार रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नमनेस यानी कि सुन्नपन भी देखने को मिलेगा, और इसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, आपका पैर उठाना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों ये हमारे दोनों पैरों में देखने को मिल सकता है, पर ज़्यादातर ये हमें लेफ्ट पैर में देखने को मिलता है, कभी कभी ये हमारे दोनों पैर में भी होता है एक साथ। तो हम बात करते हैं इसके कॉजेज की, इसके होने का कारण क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर इस नर्व में कोई भी डैमेज होगा या ये कहीं पे भी दबती है, तो इसकी वजह से हमें ये दर्द देखने को मिलता है। अब इसके कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला कारण है कि आपके वर्टिब्रल डिस्क में हार्निएशन हो जाए, यानी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो आपस में दो वर्टिब्रास से, काफ़ी ढेर सारी वर्टिब्रास से मिलकर बना होता है, जब इसमें इस नर्व के आपस की जो ऊपर नीचे की दो वर्टिब्रास हैं उनके बीच में एक वर्टिब्रल डिस्क होता है जो कि इन दोनों वर्टिब्रास को अलग रखता है, अगर उसमें हार्निएशन होता है तो जिसकी वजह से इस नस पे दबाव पड़ता है और हमें साइटिका पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हमारी दोनों वर्टिब्रास यानी किन्हीं भी दो वर्टिब्रास जो कि इस नर्व से जुड़ी हुई हैं, आसपास हैं इसके, जब वो एक दूसरे पे अधिक दबाव डालने लगती हैं, जिसकी वजह से भी जब ये नर्व दबती है तो हमें ये दर्द देखने को मिलता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो लोअर रीजन है, अगर उसमें जो स्पाइनल कॉलम है जिससे हमारी नर्व से गुजर रही है वहाँ पर अगर नैरो हो जाए, तो भी अगर ये नर्व दबती है तो वहाँ पे हमें इस दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर आपको कोई ट्रामा हो जाए जिसकी वजह से ये नर्व डैमेज हो रही हो, तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे होम्योपैथिक में काफ़ी ढेर सारी दवाएँ हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें से कुछ दवाएँ हैं कोलोसिन 30। दोस्तों इसको हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, और इसको हमें दिन भर में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। आप इसको 2 से 3 बूंद सीधे टंग डोज ले सकते हैं, या फिर आप ग्लोब्यूल फॉर्म में ले सकते हैं, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम में। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा दोस्तों आर्निका, ये मेडिसिन आपकी हार्निएशन की समस्या पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको वहाँ पे कोई डैमेज हुआ है तो ये आर्निका वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, और आप इसकी सीधे टंग डोज ले सकते हैं 2 से 3 बूंद की, या फिर आप ग्लोब्यूल फॉर्म में यूज़ करिए, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम में। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है ये आपकी नर्व के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हाइपेरिकम। दोस्तों हाइपेरिकम मेडिसिन नर्व पे बहुत ही अच्छा काम करती है। इसको आपको 200 पोटेंसी में लेना है, इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज़ करिए, या फिर आप सीधे टंग डोज ले सकते हैं, आप ग्लोब्यूल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सियाटिक पेन से जुड़ी कुछ जानकारी और उसके सिम्टम्स, और साथ ही इसके होम्योपैथिक मेडिसिन। और दोस्तों कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।